जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी 10,000 वर्ष पहले हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सबसे पहला ग्रंथ रामायण की रचना की थी। ये हमारा सौभाग्य है कि महर्षि वाल्मीकि जी को हम एक अनुयायी के रूप में, एक गुरु के रूप में समस्त देश भर में वाल्मीकि समाज बड़ी धूमधाम से आज प्रकट उत्सव जयंती, तो समय वो कब पैदा हुए किसी को नहीं पता, लेकिन प्रकट दिवस के रूप में, जयंती के रूप में हम सभी हर्षोल्लास के साथ यह कार्यक्रम हर वर्ष मनाते आ रहे हैं। तेलंगाना की राजधानी कहने वाली वाल्मीकि समाज की सुल्तानशाही बस्ती को नाम नाम से सभी माता बहनों को, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उन सभी को मैं महर्षि वाल्मीकि जयंती के इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और वाल्मीकि समाज को ऐसे ही, जैसे कि बाबा साहब ने हमको, संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर जी ने हमको जो अधिकार दिए, एक तरफ महर्षि वाल्मीकि जी ने पहले ऐसे आदि कवि हुए जिन्होंने रामायण की रचना की, और हम महर्षि वाल्मीकि के साथ साथ, ये हमारी आस्था है और बाबा साहब हमारी विश्वास है, हमारा रास्ता है, ये दोनों को लेकर ही हम समस्त वाल्मीकि समाज आगे बढ़ रहा है। और आज शिक्षा में हो, राजनीतिक में हो, सामाजिक में हो, शैक्षणिक संस्था में हो, आज वाल्मीकि समाज काफ़ी आगे बढ़ चुका है और आने वाले समय में तेलंगाना में भी वाल्मीकि समाज राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर आगे बढ़े, ऐसी मनोकामना मैं महर्षि वाल्मीकि के चरणों में रखता हूँ। जिन्होंने मुझे ये आज मौका दिया उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि वाल्मीकि जी की जय। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे। धन्यवाद। यार एक मिनट रुको, जरा एक काम है। ये जो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसको सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब चैनल को और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ठीक है? ओके बाय।